हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ टोमेटो उपमा की रेसिपी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए, मैंने उपमा है तो 1 कप सूजी ली हुई है। जितनी सूजी ली है उतना ही मुझे टोमेटो प्यूरी भी लेनी है। 1 कप टोमेटो प्यूरी है, 1 कप सूजी है और 1 टीस्पून ड्राई है, 1 फाइनली चॉप टोमेटो है, 1 हाफ कैप्सिकम लंबी लंबी कटी हुई है, आप ऑप्शनल आप जैसे काटना चाहें, 1 मीडियम साइज का प्याज है, ये मैंने काटा हुआ है लंबा लंबा, 1 देखिए छोटा टुकड़ा मैंने कैरेट का लिया हुआ है, छोटा छोटा काटा हुआ है, 2 से 3 ग्रीन चिलीज हैं और कड़ी पत्ता लिया हुआ है मैंने, सूखी लाल मिर्च है 2 से 3, 1 टीस्पून चने की दाल है, 1 टीस्पून सफ़ेद उड़द की दाल है और अराउंड 1 से 1.5 टीस्पून रोस्टेड पीनट है। आप चाहें तो कच्ची वाली मूंगफली लेके भी उसको रोस्ट कर सकते हैं या फ्राई कर सकते हैं। बाकी इसमें ज़ीरा डलेगा 1 टीस्पून, सॉल्ट डलेगा और मिर्ची डलेगी। चलिए आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। टोमेटो उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये जो सूजी ली हुई थी उसको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। सबसे पहले देखिए, मैंने गैस ऑन कर लिया, हम सूजी को पैन में डालेंगे और उसके बाद उसको स्लो फ्लेम पे अच्छे से इसको भून लेंगे। जब एक स्मेल आ जाएगी इसकी भुनने की, हल्की हल्की सी पिंक हो जाएगी, तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको अराउंड 2 से 3 मिनट लग जाएगा सूजी को भूनने में, तो चलिए हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए 2 से 2.5 मिनट अराउंड हो गया है इसको भूनते हुए और ये देखिए लाइट ब्राउन सी होनी स्टार्ट हो गई है। अब इस टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे, पर 2 मिनट हम इसको हिलाते रहेंगे क्योंकि पैन ऑलरेडी बेस से गर्म है, तो नहीं तो वो नीचे से सूजी जल जाएगी। बस आप 2 से 2.5 मिनट देख लीजिएगा, अब अच्छे भुनने की स्मेल आ रही है बहुत अच्छी सी और ये हमारी सूजी बिल्कुल भुन चुकी है। बस हमने इसको कंटिन्यूसली थोड़ी देर हिलाते रहेंगे जब तक सूजी ठंडी ना हो जाए। अगर क्योंकि ज़रा सी भी सूजी लग गई ना, फिर हम उपमा बनाएंगे तो उसमें जलने का एक टेस्ट भी आएगा, एक स्मेल भी आएगी, तो फिर उसका सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब इस टाइम पे हम ये जो सूजी है उसको पैन से किसी बर्तन में निकाल के रख देंगे और उसके बाद हम उपमा बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको हम पैन में निकाल लेते हैं, किसी बर्तन में सॉरी निकाल लेते हैं इसको। चलिए इस भुनी सूजी को हम इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको साइड में रख देते हैं और फिर चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास सूजी भून के आपने रखी हुई है तो उपमा बनने में फटाफट आपका बन जाएगा, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बस आपको इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए आपके पास। ये देखिए हमने निकाल लिया, इस पैन को हल्का पानी से धो लेते हैं और इसी में चलिए हम उपमा बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम उपमा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ये देखिए ये जो चने की दाल है और ये उड़द की दाल है, इसको हम डाल के इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से पैन में रोस्ट कर लेंगे। जरा सा इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे ड्राई। फिर हम डाल देंगे थोड़ा सा, अराउंड 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें डल जाएगा ऑयल। ये जो दाल डलती है ना, ये बिल्कुल जब हम उपमा खाते हैं तो इसमें क्रिस्प हो जाती है, इतनी टेस्टी लगती है ना ये दाल। चलिए हम इसको अच्छे से कैरी कर लेते हैं, ये जरा सी रोस्ट हो जाए। इसमें कई लोग देखिए उपमा में अगर आप डालना चाहते हैं तो हरे मटर भी आप डाल सकते हैं, अराउंड 1 टेबल स्पून हरे मटर भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपकी मर्जी। आप डालना चाहते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं, आप डाल लीजिएगा। इसके बाद इसमें ये डालना है, ये जो भून गई है इसके बाद ये डालेंगे, ये मैं प्याज डाल दूंगी।
इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा। और प्याज भी हमें इसमें बहुत लाल नहीं करने, हल्की से लाइट ब्राउन हो जाए बस। हमारे प्याज काफी हो गए, उस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे ये देखिए जो राई थी, राई डाल देंगे। ये रेड चिली जो थी ये डाल देंगे साइड में, ये ग्रीन चिलीज डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग ये भी बताइएगा कि आपको साउथ इंडियन डिशेज कैसी लगती है डिशेज, तो डोसा हो गया, इडली हो गई, उपमा हो गया। साउथ इंडियन वैसे बहुत लाइट होता है, अगर आपका मन है हैवी खाने का नहीं हो रहा, लाइट खाने का मन है, तो लोग साउथ इंडियन बहुत ही प्रेफर करते हैं कि साउथ इंडियन खा लो, होता भी खैर बहुत टेस्टी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है साउथ इंडियन। चलेगी हो गया, इस टाइम पे मैं इसमें ये डालूंगी अराउंड 1 टीस्पून साबुत जीरा डालेंगे इसमें। ये फटाफट इंस्टेंट बन जाता है, कई लोग ऐसे सूजी भिगो के बनाते हैं तो उसमें आपको टाइम लगेगा, अगर आप सूजी रोस्ट करके बना लेंगे तो ये आपका फटाफट बनेगा। देखिए सॉल्ट टू टेस्ट डालना है इसमें और रेड चिली पाउडर ये इसमें डाल देंगे, अच्छे से हिला लेंगे। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे हैं कि अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई वेजिटेबल नहीं है घर में तो ऐसा नहीं है कि डालना है सब कुछ किसी समय, अगर आपके पास गाजर नहीं है, कैप्सिकम नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लेन उपमा भी बहुत अच्छा बन जाता है। अब हम डालेंगे कैरेट, ये डाल देंगे, इसके बाद ये कैप्सिकम, ये जो टोमेटोज मैंने काटे। अगर आपके यहाँ कोई है जिसको कटे हुए टोमेटोज नहीं अच्छे लगते हैं, उसका छिलका आता है, तो आप इसमें टोटल प्यूरी भी यूज करते हैं ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कटे हुए टोमेटोज भी डाल लें, क्योंकि बच्चे कई उपमा बहुत शौक से खाते हैं पर उनको टमाटर के दिखता है, छिलके दिखते हैं, तो वो लोग खाना पसंद नहीं करते, उसको छाट छाट के निकाल के साइड में रखते हैं। तो ऐसे में आप चाहें तो आप केवल प्यूरी भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा प्यूरी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। ये देखिए हमारा ये अच्छे से भून गया, अब हम इसमें डाल देंगे ये जो कड़ी पत्ता, टोमेटोज को जो कटे हुए टमाटर हमने डाले हैं उसको ज़्यादा वो गिराना नहीं है, वो खिले खिले दिखते हुए पीसेस ही की वजह से ही मैंने ये कटा हुआ टमाटर डाला है, क्योंकि अगर आपको टमाटर नहीं पसंद किसी को तो फिर आप पूरी प्यूरी यूज़ करिएगा। और इसके बाद हम ये इसमें डाल देंगे प्यूरी, टमाटर प्यूरी। अब इसको हमने 1 मिनट अच्छे से भून लेना है, तो उपमा बहुत ही टेस्टी बनता है, थोड़ा थोड़ा इसका टैंगी टेस्ट होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। प्लेन उपमा तो आपने ज़रूर बनाया होगा, वो भी बहुत अच्छा लगता है, पर ये टोमेटो की वजह से इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये देखिए ज़रा सा मैं 1 मिनट इसको कर लेती हूँ और उसके बाद ज़रा सा 1 मिनट इसको मैं हाई फ्लेम पर कर लीजिएगा, और जिससे कि इसमें ज़रा सा साइड से घी छोड़ दे, उसके बाद हम इसमें क्योंकि टमाटर की जो प्यूरी डाली है उसका थोड़ा सा कच्चा पतन ख़त्म करना है हमने, तो चलिए हमें 1 मिनट इसको अच्छे से कर दिया, 1 मिनट हो गए, चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट, ये हमारा देखिए उपमा बिल्कुल अच्छे से हो गया है, बस इसको हम खोल के अब 2 मिनट के लिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। अब इस टाइम पे आप चाहें तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, अभी मैं पीनट तो ऐड करूंगी,
मटर बॉईल करके रख लीजिएगा पहले और इस टाइम पे इसमें ऐड कर दीजिएगा कि हमारा परफेक्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि आपको ये इंस्टेंट बनता है बच्चों, ब्रेकफास्ट के लिए एक बेस्ट रेसिपी है। और जो डाइटिंग कर रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनके लिए भी उपमा बहुत ही हेल्दी एक ऑप्शन है। और इसके अलावा कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं घर में, एकदम से आपको समझ नहीं आता तो फटाफट देखिए, वेजिटेबल का मैंने आपको बोला ही कि ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर आपके पास ये होना चाहिए, जो भी पड़ा है आप उससे बनाइए, जो नहीं है कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। और बच्चों को टिफ़िन में भी हाथ बना के दे सकते हैं उपमा, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है ये। ये देखिए हमारा उपमा अब ये बिल्कुल खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। अब इस टाइम पे मैं इसमें ये रोस्टेड पीनट है ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें थोड़ी सी। अच्छा हमारा उपमा तैयार हो गया है, अब हम इसको सर्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा उपमा बनकर तैयार हो गया है, मैंने इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको इस तरीके से सेट करके बनाना है, आप इसको किसी भी कटोरी में किसी बाउल में डाल दीजिए अच्छे से, और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको उल्टा पलट के निकाल लीजिए, इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है इस तरीके से, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी टेस्टी और बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो आप इसको बनाइए जल्दी से और बताइए कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और मेरे बाकी वीडियोस भी आपको अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें भी शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।